जबरदस्त तो वेरी गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी मेरी बैक फैम, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वास्थ्य मस्त होंगे। मेरे सारे भाइयों को राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसा जा रहा है यार मेरे सारे भाई लोगों का, वीडियोस कैसी लग रही हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है फुल सपोर्ट करो भाई को यार, आपको पता ही है इस ट्रिप का यही टारगेट है 100 के, होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हम इस चैनल को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी और बताओ यार कैसा जा रहा है मेरे सारे भाई लोगों का। अपन पहुंच चुके हैं फाइनली गुवाहाटी, कल रात को पहुंचे थे, तो कल रात को हमारे एक भाई हैं डब्लू लाइफस्टाइल, भाई ने पूरा सिस्टम बना के रखा था, मतलब फुल सिस्टम हैंग कर रखा था। यहाँ पे भाई ने हमें रुकवाया था, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड DUBORI डुबरी होम स्टे। मैं इनके कार्ड की ना एक पिक्चर लेके वो भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यार, यहाँ आओ, इतना फ्रेंडली और इतना फैमिली वाला हिसाब किताब है ना कि मज़ा आ जाता है यार। ये अभी आपको अंदर भी मिलाता हूँ सारे भाइयों से जिन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी है यार, मैंने उनको बड़ा तंग करा, सच बात बता रहा हूँ। रात को चाय, सुबह चाय, चाय पे चाय, आपको बताइए आपका भाई चाय का शौकीन है। अगर आप अपनी स्पोर्ट्स कार्स लेके आ रहे हो ना भाई, तो थोड़ा सोच समझ के आना, बिकॉज वहाँ पे जो रैंप्स बने हुए हैं ना उनका कलेश है। अब मैंने यहाँ के जो ऑनर थे उनसे भी बात करी, मैंने बोला ये क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि शान भाई फंडा ऐसा है कि यहाँ फ्लड वगैरह आता रहता है, जब फ्लड आता है ना तो हम नहीं चाहते पानी अंदर आए प्रॉपर्टी के। एक्चुअली ये इस होम स्टे का बैक साइड है, फ्रंट साइड जो है वो बहुत सेक्सी है यार, और बिल्कुल इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन रोड है ना, बट वहाँ से मैं आ ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ स्पीड ब्रेकर, तो हमें पूरा घूम के आना पड़ा। और फिर ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ से भी गाड़ी हमारी अंदर नहीं आई, ये देख रहे हो, तो फिर हमने बाहर ही लगवाई। भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, CCTV वगैरह लगे हुए हैं, वो आपकी गाड़ी सेफ है बाहर। आज देखो गुवाहाटी, असम और शिलोंग और मेघालय का यही प्लस पॉइंट है, बट गुवाहाटी असम में पड़ता है, बट यही है कि हल्की सी गर्मी हुई नहीं तो बारिश शुरू, अभी हम निकलने लगे थे तो बारिश शुरू हो गई है। चलो अब आपको भाइयों से मिलाते हैं, यहाँ पे फ्रंट भी दिखाता हूँ यार, फ्रंट बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन फ्रंट से मैं क्यों नहीं आ पाया वो भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा डुबरी होम स्टे। हाय, हाउ आर यू? तो इधर हमारा आसाम का ट्राई गाइस, डबल साइड वाला फोटो दिया गया है, थैंक यू सो मच। तो इधर से रखना है, संभाल के एकदम ये है यहाँ के ऑनर मिस्टर भास्कर जी, भास्कर चैटर्जी नहीं है, भास्कर दास है। देखा मैंने, मेरे को भी ये गलती हुई थी कि चैटर्जी हो सकते हैं, बट नहीं, दास है। और अब आप मुझे बताओ ये कहाँ पड़ता है होम स्टे? ये आपका जोटिया काहिलीपाड़ा एरिया में है, सो दिस नियर बाय दिसपुर एरिया, ओनली दिसपुर कैपिटल हो जाता है गुवाहाटी का, सो इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ योर गुवाहाटी, सो मतलब ये मिडिल ऑफ द गुवाहाटी है, कहीं पे भी जाना हो तो, और है भी थोड़ा सिटी एरिया में है ना। दिस इज़ द नंबर गाइस, आप स्क्रीनशॉट मैं डाल भी दूंगा, नीचे लिंक में भी आ जाएगा, और यहाँ से भी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज़ आओ यार, मेरा तो मतलब तसल्ली हो गई यहाँ रह के। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ भैया, इतना मज़ा आया ना यहाँ रह के, और वो आया कि एक बाहर वाला फील ही नहीं आया, घर वाला फील आया। मैंने कल आपको स्टोरी में मेंशन करा और मैंने बोला कि यार असम के लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं, और मतलब बाहर फील ही नहीं हो रहा कि हम बाहर हैं। बस इस भाई ने मुझे मशीन वाली चाय पिलाई है गाइस, इसको नहीं छोड़ना ठीक है। अरे मजे ले रहा है, मजे ले रहा हूँ गाइस, बट सच में खाना भी, इट वाज नाइस, एवरीथिंग वाज नाइस। वी वेलकम ऑल आवर गेस्ट टुडे गामुसा, एंड स्पेशली दिस इज कॉल्ड गामुसा। ओके, या स्पेशली आई वुड लाइक टू लाइक इनवाइट ऑल द बाइकर कम्युनिटीज एंड ऑल द यूट्यूबर्स, सो वी आर ऑब्वियसली हैविंग अ स्पेशल डील फॉर देम, सो आवर ब्रदर हैव आल्सो अवेल्ड इट, so you are all most welcome anytime, you can check in anytime, even if you come at 3 in the morning मतलब परेशान नहीं होने देंगे रात को भी है ना, एंड रात को अगर आके कोई खाना वगैरह खाना चाहे वो मैनेज, वो भी मैनेज हो सकता है। अपन डब्ल्यू के टच पे आए और डब्ल्यू भाई ने बोला कि ये रही लोकेशन, भैया 4 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे पहुंच जाओ सुबह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सच में बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच टू भैया एंड टू ऑल द स्टाफ वी हैव हियर। भाई के चेहरे पे मैंने एक बार भी ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोल रहे हो कि यार चाय दे दो, कोई तंग हो रहा है, 3 बजे भी भाई फुल स्माइलिंग मोड ऑन होता है भाई का ना, फुल स्माइल मारता हुआ आएगा फुल मस्ती में। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाकी अभी चल रहे हैं, मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ, बारिश हो चुकी है और ये है कुछ लोकेशन, पार्किंग की भी दिक्कत नहीं है, 10 गाड़ियाँ तो आराम से आ जाएंगी यार।
बाकी अभी चलो यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट टू शिलोंग। रास्ते में हम एक पंजाबी ढाबा पड़ता है, वहाँ पे विल हैव समथिंग। तो चलो गाइस फाइनली निकल चुके हैं मेघालय के लिए यहाँ से, और यहाँ जो गाड़ी को रिएक्शन मिल रहा है ना गाइस, वो मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, बता नहीं सकता मतलब वर्ड्स में। अभी ये देखो बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो अभी आराम आराम से चलेंगे, और मुझे गाड़ी धुलवानी भी है तो गाड़ी धुलवाते हैं, बिकॉज पीछे बारिश हुई थी ना तो डिश पैड में बड़ी मिट्टी जम गई है, तो अगर मिट्टी जम जाए तो फिर अच्छा नहीं होता, डिश पैड पे ना लाइंस बन जाती हैं। बाकी यार ये जो है ना, ये भाई दास भैया का फ्रॉम डुबरी होम स्टे, दास भैया थे ये, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैव गिव मी दिस गामोसा फ्रॉम असम एवर। वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल रहने वाला है, मेरा जिंदगी का पहला गामोसा, और इसको मैं हमेशा ही संभाल के रखने वाला हूँ, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा इसको यार। ये एक फीलिंग है जो मुझे आई है आज, इतने दिन से असम में हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन टू गिव मी दिस, वो होता है ना जिंदगी में आप पहला आदमी कभी नहीं भूलते जिसने आपको कोई चीज़ दी थी। हो सकता है आगे हमें बहुत मिले, बट भैया को मैं याद रखूँगा यार हमेशा। नेचर भी, नेचर तो वैसे यार फुल असम का इतना ज़बरदस्त है, इतने हम्बल लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं ना, आपको क्या बताऊँ यार, है ना। तो चलो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मेघालय का द वेरी फर्स्ट पेट्रोल पंप, पर वहां पहुंच चुके हैं। ये देखो यहां पे अभी इसमें पूरा फ्यूल फिल करवाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ, है ना। लेकिन यहाँ वेदर देखो यार क्या मस्त हो रहा है। तो चलो गाइस फाइनली रास्ते में है, और यहाँ पे हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट बढ़िया सा, विच सर्व्स खासी डिश, खासी वाला उस साइड है, हाईवे ढाबा 2 करके जगह है, तो हमने गाड़ी तो लगा दी, और ये अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया भाई, अच्छे अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं ना। अपन खाते हैं फटाफट खाना खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ, और यहाँ जो रिएक्शन मिले हैं ना गाइस, वो मतलब अल्टीमेट रिएक्शन थे यार। अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ जाइएगा वहाँ जाइएगा, जहाँ गाड़ी जा सकती है उन्होंने मुझे बताया कहाँ कहाँ जा सकती है, क्योंकि लोकल्स को ज़्यादा नॉलेज होती है। उन्होंने बोला सही है, तो आराम आराम से चलते हैं यार, है ना, देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एसी चला भाई, क्या हो गया, इतनी गर्मी में बिठा रखा भाई, पसीनों पसीने हो गए, आदमी एसी नहीं चला रहा। मैंने अच्छा खाना है यार, खाना अच्छा था, नो डाउट, है ना, दही मज़ा आया खा के, मीठा दही था, मीठा है, तो इसको पता नहीं था मीठा दही है, तो ये तो खल लग गया खाने पूरी के साथ, बाद में कहता रहे तू मीठा है, मैंने बोला हाँ भाई मीठा ही होता है, क्या आपको खा के आया पूरा दही बेल के आए। चलो गाइस अभी आगे रुकते हैं कहीं, फिर मिलते हैं आपको, बट वेदर देखो यार, है ना, ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, और यहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़ती चलती गाड़ी में, मतलब यहाँ फिर भी गर्मी, यहाँ से 80 किलोमीटर आगे तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई एसी की, चाहे दिन हो चाहे रात को, तो जैकेट पहननी पड़ेगी गारंटीड। तो गाइज अपन पहुँचे हैं शिलोंग से थोड़ा सा पहले, और इस जगह, इस लेक का जो नाम है, इसका नाम है उमियाम लेक। दिस इज़ नॉट द एक्चुअली, मतलब ये वाला जो सही वाला व्यू पॉइंट नहीं है, पहले में जो व्यू पॉइंट था वो था ऊपर में, ऊपर में अभी भी है, बट एक नया बन गया, मैंने भी आज पहली बार ही देखा, दिस इज़ न्यू व्यू पॉइंट, और यहाँ पे पार्किंग चार्जेस भी हैं। तो अभी भाई मुझे बता रहा था कि 30 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस हैं यहाँ पे, जो कि मुझे लगा नहीं था होंगे, बट फिर भी भाई से कंफर्म करेंगे। बट लुक एट दिस व्यू यार गाइस, ये देखो गाइस व्यू देखो, है ना ज़बरदस्त। लेकिन मैं अभी आपको ऊपर जाऊँगा, वहाँ से दिखाऊँगा सही व्यू उमियाम का, मज़ा आ जाएगा आपको। आज ये देखो यहाँ पे, ये है एक्चुअली व्यू पॉइंट उमियाम लेक का, जो हम पहले रुके थे वो मैंने बताया ना नया बना हुआ, बट दिस इज़ द ओल्ड वन, लुक एट दिस गाइस, वाओ। तो यहाँ बीच में एक होटल भी है, वो सामने देख रहे हो आप, वो एक होटल है, लोता होटल है यहाँ पे, जिसका ये वाला व्यू आता है, लुक एट दिस, क्या व्यू है गाइस, हाँ मज़ा आ रहा है ना, वल्लाह। चलो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, आपको ना नीचे का व्यू दिखाता हूँ भाई, पूरा मेघालय नीचे दिख रहा है, और ये अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी तो अंधेरा हो चुका है, बट ये सामने दिख रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल पास से जा रहे हैं सारे बादल। लुक एट द व्यू गाइस, ये व्यू तो अब आपको सुबह इंजॉय करवाऊंगा मैं, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, आई विल टेल यू गाइस,
ये है हमारा होटल्स वगैरह, यहाँ ज्यादा तो है नहीं और मैं चाहता था थोड़ा शांति जैसा एरिया में मिले, तो हमने लिया है एक होम स्टे जो कि बहुत ही प्यारा होम स्टे है यार सच में, और एरिया तो प्यारा है ही है। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं कल नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑफ सायनारा गाइस। एंड यू गाइस नो दैट ड्रिल, क्या करना है, माँ बाप की सेवा, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार, भाई को सपोर्ट हो सके तो। हाँ देखो इतनी तबीयत खराब है मुझे, इतना फीवर उतर रहा है, चल रहा है, कोल्ड हो रखा है, बट फिर भी आपका भाई लगा हुआ करे जा रहा है। शेयर मारा करो यार सारे ब्लॉग्स में, बाकी सबसे सब्सक्राइब करवाओ अपने भाइयों से सबसे, मतलब समझो। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में ना, सो कल मिलते हैं, कल देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, कल मिलते हैं।